रूए ज़मीन पर कोई और जगह खाना काबा से ज़्यादा पाक और मुकद्दस नहीं। खाना काबा एक क्यूब की शक्ल में बनाया गया है। आज हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकायक पेश करेंगे जिनसे बहुत से लोग वाकिफ नहीं। खाना काबा दरअसल कई मरतबा तामीर हो चुका है, जिस तरह आज हमें नज़र आता है शुरू में ऐसा नहीं था। खाना काबा पहली मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही। खाना काबा का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल ही तामीर हो चुका था। ये वो ज़माना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दूरअंदेशी से रोका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े कपड़े में हजरत अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया। खाना काबा की आखिरी तामीराती आराइश सन 1996 में हुई, जिसके दौरान बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई। बहुत से लोग इस हकीकत से भी लाइल्म होंगे कि खाना काबा में एक की बजाय दो दरवाजे हुआ करते थे। एक से अंदर दाखिल हुआ जाता था तो दूसरा बाहर निकलने के लिए था। खाना काबा में खिड़की भी होती थी जो कि आज खाना काबा में मौजूद नहीं। हमें खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में देखना तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इससे कबल खाना काबा को मुख्तलिफ रंग के गुलाफों से ढका जाता रहा है। इनमें हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियाँ फ़तेह मक्का के वक्त बनी शायबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा के सपुर्द की थी। फ़तेह मक्का से लेकर अब तक वही ख़ानदान मुसलसल खाना काबा की चाबियों का रखवाला है। माजी में खाना काबा के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसको महदूद किया जाता रहा है। इसे हफ्ते में दो मरतबा लोगों के लिए खोला जाता था और कोई भी इसमें दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन दौरे हाजिर में हुजाज की तादाद में नुमाया इजाफे पर अब खाना काबा को साल में सिर्फ दो मरतबा ही खोला जाता है और इसमें आला शख्सियात और ख़ास मेहमानों को ही अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिलती है। माजी में आजमीन की बड़ी तादाद पानी में तैर कर भी खाना काबा का तवाफ़ करती रही है। जी हाँ, ज़माने कदीम में ज़्यादा बारिश होने की सूरत में खाना काबा का अतराफ़ पानी से भर जाया करता था, लेकिन आज़मीन तब भी अपना तवाफ़ जारी रखते थे। बारिश के पानी की वजह से खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। ऐसे खुशकिस्मत लोग भी हैं जिनको खाना काबा में दाखिल होने का मौका मिला। खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा सफ़ेद संगमरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। बाज़ माहिर तामीरात कहते हैं कि खाना काबा मकाब की शक्ल का नहीं, दरअसल मुस्तील शक्ल का है। असल ज़ावी के मुताबिक इसका आधा हिस्सा गोल है, जिसको हजरे इस्माईल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी। तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वह हलाल की कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे, मगर ये अजीम फरीजा सर अंजाम देने से पहले ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए थे। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।